क्या करना है? पार्टी में टिकट वितरण को लेकर आज लगातार मंथन जारी है और बैठकों का दौर भी जारी है। चुनाव समिति की बैठक से पहले जेपी नड्डा के आवास पर 1.5 घंटे तक मंथन हुआ, जो कि अब समाप्त हो गया और तमाम नेता एक एक कर निकल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सह प्रभारी विजया राठकर, चुनाव सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई इस बैठक से निकल चुके हैं और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी निकल गए हैं। जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, पीएल संतोष और तमाम प्रदेश कोर ग्रुप के नेता मौजूद थे, जो कि तमाम राजस्थान के जो जिन सीटों पर चर्चा हो रही है उनके नामों को लेकर अंतिम मुहर लगा रहे थे, क्योंकि चुनाव समिति में जाने से पहले फाइनल होमवर्क ही तमाम नेता करना चाहते थे, क्योंकि जब चुनाव समिति की बैठक हो तो किसी प्रकार का किंतु परंतु किसी भी नाम पर न हो, इसलिए तमाम होमवर्क इन नेताओं द्वारा किया गया। और लगातार पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। कल भी लगातार बैठकें राष्ट्रीय राजधानी में हुई और आज भी जारी थी। अब आज जो बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हुई है, इसमें फाइनल मुहर इन तमाम नामों पर लगी है कि जो नाम चुनाव समिति को सौंपे जाएंगे उसके बाद चुनाव समिति की अंतिम मुहर लगेगी और जल्द ही पहली आधिकारिक सूची राजस्थान को लेकर बताई जा रही है कि घोषणा हो सकती है। पहली आधिकारिक सूची राजस्थान को लेकर अगले 48 घंटों के भीतर घोषित हो सकती है, ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि शाम 6 बजे केंद्रीय मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रहेगी। ऐसे में स्वाभाविक है कि करीब 3 दर्जन नामों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। हालांकि नामों को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि किस क्राइटेरिया के आधार पर टिकट वितरण किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जिन भी व्यक्तियों को टिकट दिया जाए वो अधिक से अधिक संख्या में चुनाव में जीत कर आए, और इसलिए दो टुक निर्देश भी प्रदेश इकाई को दिए गए कि किसी भी व्यक्ति की सिफारिश गुट के आधार पर या अपने कुनबे को मजबूत करने के आधार पर न करें, बल्कि ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाएं जो कि जिताऊ हो। और साफ तौर पर तमाम नेताओं को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर गए थे, होटल ललित में जब बैठक हुई थी, तो फटकार भी लगाई गई थी कि अपना कुनबा मजबूत करने के लिए नाम ना सुझाया जाए, बल्कि ऐसे नेताओं के या ऐसे दावेदारों के नाम सुझाए जाएं जो कि वाकई में उस सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का विजयी कमल खिलाए। इसी लिहाज से लगातार 2 दिन की मैराथन बैठक दिल्ली में हुई, ताकि जो भी नाम चुनाव समिति को सौंपे जाए उन पर पूरा होमवर्क हो जाए, पूरी तरीके से एक्सरसाइज हो जाए और वो तमाम लोग चुनाव में जीतने की पोजीशन पर हों। इसीलिए फीडबैक भी लगातार काफी एजेंसी से करवाया गया, सर्वेज भी काफी लोगों से करवाए गए, फीडबैक लगातार। बिल्कुल लखवीर, टिकट वितरण को लेकर ये बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि इस पर विचार न करते हुए कि अपने कुनबे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, विचार इस पर किए जाने की जरूरत है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो उम्मीदवार कैसे सिलेक्ट किया जाए जो पार्टी को जीत दिला सके। लखवीर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तमाम जो लोग जिनको टिकट पिछले चुनाव में दी गई है, अगर उनका मापदंड 10,000 से ज्यादा वोटों से अगर वो हारे हैं तो इस बार उनकी टिकट कटना तय है। ये बीजेपी से जुड़े विश्वास सूत्रों का कहना है कि पिछली बार जिन नेताओं पर दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला था और अगर उनकी टिकट कटी है तो उसका कारण यही होगा कि अगर वो 10,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं और सर्वेस में अगर वो जिताऊ के तौर पर आगे नहीं आएंगे तो स्वाभाविक है कि उनका टिकट कटना निश्चित है। इसी लिहाज से लगातार मैराथन बैठकों का दौर है। ये देखिए, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी निकल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी नड्डा जी के आवास पर है। कैसी रही बैठक? जीतेंगे? और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी आवास से निकल गए हैं, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप देखेंगे कि इस गाड़ी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा थे। बैठक समाप्त हो गई और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जेपी नड्डा के आवास से रवाना हो गए हैं। तो लगातार जो नेता इस बैठक का हिस्सा थे उनके निकलने का सिलसिला जारी है, एक एक कर ये तमाम नेता निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जीत के लिए निश्चित हैं? बिल्कुल, कैसी लिस्ट आएगी देख अभी पता चलेगा। जीता उन लोगों को विश्वास जताएंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो कि इस बैठक से हिस्सा लेकर बाहर निकले हैं, न्यूज 18 से बातचीत में कहे कि काफी किफायती लिस्ट आएगी, अच्छी लिस्ट आएगी और जल्द वो तमाम प्रदेशवासियों के सामने आ जाएगी। जल्द प्रदेशवासी इस लिस्ट से तारुफ उनका हो जाएगा, क्योंकि
तमाम तरीके की एक्सरसाइज हो चुकी है। तो अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के तमाम दिग्गज नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद थे, उनका पूरा मंथन अब हो चुका है, पूरा होमवर्क हो गया है, तमाम तरह के एक्सरसाइज को पूरा कर लिया गया है और ये तमाम नेता अब निकल गए हैं जो कि शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में पहुंचेंगे और चुनाव समिति की बैठक का हिस्सा होंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी होगी। और तय है कि आज भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान को लेकर तमाम जिन सीटों पर चर्चा होगी, तमाम जिन सीटों पर मंथन होगा, तो स्वाभाविक है कि करीब करीब 3 दर्जन नामों की पहली सूची पर मुहर लग सकती है जिसका ऐलान आगामी 48 घंटों के भीतर संभव है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि आज देर रात या कल सुबह पहली आधिकारिक सूची भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए जारी कर देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को ऐलान कर दिया है लेकिन राजस्थान में एक भी सूची अभी तक पार्टी जारी नहीं करी है। लेकिन संभावना है कि जल्द राजस्थान को लेकर पहली आधिकारिक सूची का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि लगातार सभी तरीके का फीडबैक पूरा हो चुका है, होमवर्क हो गया है और चुनाव समिति की बैठक में मुहर लग जाएगी। मुहर लगने वाली है कैंडिडेट्स के नाम पर, एक बड़ी बैठक हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर। जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक चल रही थी जहां पर कई बड़े दिग्गज नेता एक साथ मौजूद थे, खास विषय पर चर्चा की गई कि राजस्थान में किन्हें टिकट दिया जाए, कौन से वो चेहरे हैं जिन पर पार्टी भरोसा जताकर उन्हें मैदान में उतारे और जिसके दम पर पार्टी आगामी चुनाव में जीत दर्ज कर सके। और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है, लगातार तस्वीरें भी वहां से आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिग्गज नेताओं के बैठक के बाद बाहर निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रहलाद जोशी और वसुंधरा राजे भी बैठक से निकल चुकी है, विजया राहटकर, कुलदीप बिश्नोई भी अब बाहर आ चुके हैं। और आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई, जेपी नड्डा ने भी इसकी अध्यक्षता की। इससे पहले प्रहलाद जोशी के घर पर मंथन चला और इसके बाद बैठक के बाद लगातार जो नेता है वो अब बाहर निकलते हुए जिसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी बैठक से बाहर निकलते हुए नजर आए। तो एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आगामी चुनाव को लेकर, कैसे सत्ता में वापसी हो सके बीजेपी की, इसे लेकर ये बैठक की गई क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण होता है टिकट का बंटवारा, कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें टिकट दिया जाए, ये एक बड़ा फैसला होता है पार्टी का जिस पर कि आगे के चुनाव में पार्टी की दशा और दिशा दोनों तय की जाती है। और ऐसे में टिकट बंटवारे का क्या फॉर्मूला रहे इसी को लेकर खास मंथन की गई है, कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एमपी के तर्ज पर ही राजस्थान में भी टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया जा सकता है। जिस तरीके से एमपी में कई सांसदों को टिकट दिए गए हैं, कई केंद्रीय नेतृत्व जो है वहां पर उन्हें टिकट दिए गए हैं, वही ठीक फॉर्मूला राजस्थान में भी तय किया जा सकता है और उसी फॉर्मूले पर कई केंद्रीय मंत्री से लेकर कई सांसदों को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ कयास है, अभी कुछ ही समय में जैसा कि माना जा रहा है कि पहली लिस्ट जारी हो सकती है इस बैठक के बाद और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई एमपी के तर्ज पर राजस्थान में भी टिकट बंटवारा किया जा सकता है। सहयोगी लखवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लखवीर, बैठक खत्म हो चुकी है, मंथन में क्या निकल कर सामने आया, अमृत निकल सका है क्या? मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक लखवीर? जी बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से लेकर तमाम तरीके से मंथन किए क्योंकि लगातार बैठक का जो दौर है वो जारी है। आज पहले चुनाव प्रभारी के घर पर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी रही, जहां पर पहले एक्सरसाइज की गई क्योंकि उन्हें दोपहर 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के सामने प्रस्तुत होना था। ऐसे में तमाम तरीके की एक्सरसाइज ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नेता करना चाहते थे, पूरा होमवर्क करना चाहते थे। जब ये नेता वहां पहुंचे तो पूरा स्क्रूटनी जो की गई थी तमाम नामों की, तमाम पैनलों की, उन पर
चर्चा हुई है और उसको अंतिम रूप दिया गया है, क्योंकि जब चुनाव समिति की बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, तो किसी भी नाम पर किसी प्रकार का संशय नहीं हो और कोई गलत नाम, कोई गलत फीडबैक या फिर कोई गलत इनपुट ना सौंप दिया जाए, ये पार्टी आलाकमान चाहता है। इसलिए लगातार मैराथन बैठकें राष्ट्रीय राजधानी में की गई। अब शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें राजस्थान के करीब 5 दर्जन सीटों पर डिस्कशन होगा। हाँ। और ये तय माना जा रहा है कि पहली आधिकारिक सूची में करीब 3 दर्जन नामों का ऐलान संभव है, जिसका घोषणा या तो आज देर रात तक या अगले 48 घंटों के भीतर कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली आधिकारिक सूची का ऐलान कर दे। वहीं सूत्रों की माने तो सूत्रों का ये भी कहना है कि अंतिम मुहर आज लग सकती है पहली आधिकारिक सूची पे, लेकिन उसको होल्ड भी किया जा सकता है। हो सकता है कि आचार संहिता लगने के बाद पहली आधिकारिक सूची का ऐलान किया जाए। हाँ। क्योंकि अंतिम मुहर लग जाएगी और आगामी आने वाली जो सीटें उन पर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। ऐसे में जब दूसरी लिस्ट आने वाली हो, उसकी एक्सरसाइज शुरू हो, उसके लिए सीईसी हो, उससे पहले पहली आधिकारिक सूची का ऐलान हो, यह भी भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है। मतलब साफ है कि तमाम तरीके के फॉर्मूले, तमाम तरीके के प्रयोग, नए अनूठे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण में इस बार करना चाहती है, क्योंकि जिताऊ चेहरों पर दांव बीजेपी राजस्थान में लगाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से काफी उम्मीद है। राजस्थान में सरकार आने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को है। ऐसे में टिकट वितरण में किसी प्रकार की कोई चूक न हो, कोई कमी न हो, ये आलाकमान का मुख्य फोकस है। और साफ तौर पर केंद्रीय टीम ने प्रदेश इकाई को कहा है कि किसी भी कोई भी नेता अपने गुट को मजबूत करने के लिए, अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश ना करे, बल्कि जो व्यक्ति ग्राउंड पर मजबूत है, जिसका हाँ। सर्वेस में नाम है, फीडबैक पर नाम है, और जो व्यक्ति वाकई जिताऊ है, उसी के लिए लॉबिंग करें, ताकि हाँ। पार्टी किसी गलत व्यक्ति पर दाव ना खेले और पार्टी हार जाए। साफ तौर पर मध्य प्रदेश मॉडल की चर्चा भी लगातार बैठकों में हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके आसार राजस्थान में भी नजर आ रहे हैं। करीब 5 से 6 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, और अगर ये दाव भारतीय जनता पार्टी खेलती है तो उसका फायदा न केवल उस पर्टिकुलर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, बल्कि उस क्षेत्र की और उस जिले की तमाम सीटों पर भी उस बड़े लड़ैया का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाना चाहती है, इसीलिए उन नेताओं को भी टिकट दे सकती है। और जहां तक बात है, करीब करीब पहली सूची में भी किसी बड़े लड़ैया के नाम की घोषणा होना तय है, क्योंकि पहले ये तय था कि डी कैटेगरी या फिर ए कैटेगरी के नामों की घोषणा होगी, लेकिन अब ये जानकारी हासिल हो रही है कि कैटेगरी वाइज टारगेट न करके जो भी निर्विवाद सीटें हैं, जिस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है, हाँ। और जहां पर सिंगल पैनल नाम है, जिस भी पैनल में सिंगल नाम किसी प्रत्याशी का सामने आया है, तो उस कैटेगरी के सीटों की घोषणा इस पहली आधिकारिक सूची में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए कर सकती है, जिसका ऐलान अगले 48 घंटों में संभव है। प्रियंका, बिल्कुल लखवीर, लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला, और जिस तरीके से बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा राजस्थान पे, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार दौरे कर रहे हैं, ऐसे में साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी के लिए कितना जरूरी हो जाता है राजस्थान में जीत। आप बता रहे थे कि सबसे पहले वहां पर टिकट वितरण जिन्हें किया जाना, उन दावेदारों की घोषणा हो सकती है जो पार्टी के लिए सॉफ्ट जगह है, जहां पर इजिली वो दावेदार घोषित कर सकती है। क्योंकि यही सवाल मैं आपसे पूछने भी वाली थी लखवीर, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कई दिग्गज एक साथ दावेदार बने हुए हैं, बड़ा टफ होगा बीजेपी के लिए यहां पर। देखिए प्रियंका, अधिकांश सीटें तो ऐसी हैं जहां पर 1 दर्जन से 2 दर्जन नेता लॉबिंग कर रहे हैं, टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ। हालांकि पैनल 3 व्यक्तियों के नाम का ही बनता है, जो टॉप 3 होंगे उनके नाम का पैनल पार्टी आलाकमान के पास आता है और उसी में से स्क्रूटनी की जाती है और एक व्यक्ति को टिकट मिलता है। लेकिन टिकट एक व्यक्ति को पार्टी देती है, पार्टी एक व्यक्ति पर दाव खेलती है, लेकिन नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं दुखदायी हो जाती है पार्टी के लिए, क्योंकि जो भी नेता बगावती सुर की तरफ जाते हैं, बगावती सुर अपनाते हैं, नुकसान पार्टी को हो जाता है और वो खामियाजा पार्टी उठाना नहीं चाहती। ऐसे में जिस भी व्यक्ति पर दाव खेला जाए वो जिताऊ हो, ये पहला फोकस है। तमाम सियासी समीकरणों को साधा जाए, इसकी भी पूरी स्क्रूटनी की गई है, इस पर भी पूरी एक्सरसाइज हुई है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए और अगर बगावती सुर पनपते हैं,
तो उसका डैमेज कंट्रोल क्या हो, उसकी रणनीति के लिए भी प्रदेश इकाई को दो टूक निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे फीडबैक पर, ऐसे कामों पर काम करने की जरूरत है, ऐसे सुझावों पर काम करने की जरूरत है जो कि बगावत को शांत करे ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। इसलिए तमाम तरीके के सियासी समीकरणों को साधना हो या फिर जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देने पर पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी फोकस फिलहाल कर रही है। हालांकि युवाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी ज्यादा संख्या में इस सूची में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो वरिष्ठ लगातार चुनाव लड़ते हैं लेकिन इस बार उनकी जो परफॉर्मेंस है अगर वो फिसड्डी है तो तय है कि उनका टिकट इस बार कट सकता है। और मुख्य आधार अगर किसी चीज को बनाया गया तो यह है सर्वे रिपोर्ट, फीडबैक, चुनाव में उनके प्रति अगर जनता में विरोध की लहर है तो उनका टिकट कटेगा। और इसके साथ ही अगर पिछला विधानसभा चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के सीट पर कोई प्रत्याशी लड़ा है और उसके 10,000 से ज्यादा वोटों से वो हार का अंतराल रहा है तो स्वाभाविक है कि उस पर्टिकुलर सीट पर उस व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए, किसी नए चेहरे पर दाव खेला जाए। हालांकि अगर किसी सीट पर कोई व्यक्ति 10,000 वोटों से ज्यादा अंतराल से पिछला चुनाव हार गया हो लेकिन इस बार उसकी तैयारी मजबूत है, इस बार अगर उसके जीतने के आसार हैं तो पार्टी उसको टिकट भी दे सकती है। जयपुर की ऐसी 1-2 सीटें हैं जहां पर ये फॉर्मूला सामने आ सकता है। तो स्वाभाविक है मारवाड़ और शेखावटी वो इलाका है लखवीर जहां पर जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यहां पर कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, अक्सर यहां पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिलता है लखवीर। तो क्या यहां किस तरीके से जीत मिल सके, इसे लेकर खास फॉर्मूला बीजेपी की ओर से तैयार किया गया है? कमल खिल सके तो चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले। आज शाम एक और बड़ी बैठक होने वाली है बीजेपी की, एक और महत्वपूर्ण बैठक। अभी एक बैठक खत्म हुई, आज लगातार मैराथन बैठक है बीजेपी की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। राजस्थान में कौन से वो चेहरे हो जिन पर पार्टी भरोसा जताए, इसी को लेकर ये खास बैठक एक हुई है, एक अभी होने वाली है। आज शाम ये बैठक होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कई दिग्गज चेहरे इस बैठक में भी मौजूद रहने वाले हैं। तो एक और बैठक कुछ ही समय में शुरू होने वाली है, जैसा कि सहयोगी लखवीर लगातार वहां से बने हुए हैं और पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से मंथन किया गया है, मंत्रणा की गई है और जिताऊ चेहरे पर कौन होंगे वो जिताऊ चेहरे जिन पर पार्टी भरोसा जताए, इसे लेकर ये चर्चा बेहद खास। लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, हम बात कर रहे थे मानगढ़ और शेखावाटी इलाके की, जाट बाहुल इलाका है और कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता रहा है, क्या इसे लेकर कुछ खास फॉर्मूला बीजेपी की ओर से तय किया गया है? जी देखिए, तमाम तरीके के सियासी समीकरण पार्टी साधना चाहती है इस विधानसभा चुनाव में। आपने स्पेसिफिकली शेखावाटी रीजन की जहां तक बात की है तो शेखावाटी में जाट बहुतायत हैं और ओबीसी को साधना भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में चाहती भी है, चाहे वो जाट तबका हो, चाहे वो सुथार हो, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो यादव हो, इन तमाम तरीके की जातियों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रयोग करना चाहती है, क्योंकि उम्मीद न सिर्फ 2023 के विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी है कि ओबीसी तबका ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान में खासकर मतदान करे। तो ओबीसी पर खासकर प्रयोग करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और बहुतायत संख्या में टिकट वितरण भी किया जाएगा। जहां तक बात किसी पर्टिकुलर जाति की है तो जिस भी सीट पर कोई जाति प्रभावशाली है, उनका मैंडेट ज्यादा है, उनका जातिगत आधार ज्यादा है और वो जिताऊ हैं तो स्वाभाविक है उनको टिकट दिया जाएगा। जातिगत समीकरणों को साधने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी तमाम सियासी समीकरणों को साधने पर भी चर्चा कर रही है, क्योंकि टिकट उन्हीं लोगों को जो कि जीत दर्ज कर सके, युवा हो, आगे आने वाले समय में राजनीति उनकी लंबे समय की हो, ये भी भारतीय जनता पार्टी इस बार ध्यान दे रही है, क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ हैं जिनका विरोध उनके क्षेत्र में है
उनका बगावत का डर तो है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन बीजेपी इस बार उनका टिकट काटने में कहीं डरेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी को नई लीडरशिप तैयार करनी है, नई लीडरशिप की फौज खड़ी करनी है, और साथ ही ऐसे मेहनती युवाओं पर दाव खेला जा सकता है जो कि जिताऊ हो। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर प्रदेश इकाई को ये टारगेट दिया है कि अंडर 45 यानी कि 25 से 45 साल की उम्र के उन तमाम अधिकांश युवाओं को टिकट दिया जाए जो कि जिताऊ हैं और पैनल में उनका नाम आ रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि अगर किसी व्यक्ति का पैनल में नाम है और उसकी दावेदारी थोड़ी कमजोर है तो उसको सोचने वाली बात होगी कि उस पर गाज गिर सकती है, क्योंकि पार्टी टिकट उसी व्यक्ति को देने वाली है जो वाकई जिताऊ है और जिसका प्रभाव न केवल पार्टी के काडर में बल्कि उस पूरे क्षेत्र की जनता में हो। तो ये तय है कि बीजेपी इस बार टिकट वितरण जो है वो तमाम आधारों और फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए करेगी और टिकट सिर्फ उसको जो जिताऊ होगा। बिल्कुल लखवी, टिकट सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगा जो जिताऊ होगा, और जरूरी भी है क्योंकि टिकट वितरण वो एक बड़ी बात होती है जिससे कि पता चलता है कि आगामी चुनाव में पार्टी को जीत मिलेगी या नहीं। शाम में एक और बैठक होने वाली है लखवीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे और इसी बैठक के बाद फाइनल मुहर लगेगी नामों पर। इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है, कौन कौन लोग इसमें मौजूद रहने वाले हैं? बिल्कुल प्रियंका, शाम करीब 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आहूत होगी जिसकी में मौजूदगी रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अध्यक्षता करेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तमाम जो राजस्थान के कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हो, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो, कैलाश चौधरी हो, या फिर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हो, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया हो, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, विजया राहटकर हो। ठीक है लखवीर, तो ये तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं, 3 दर्जन नामों पर अगले 48 घंटों में मुहर लग सकती है बीजेपी की ओर से।